हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप ब्रेकफास्ट के लिए, तो मखाने से बढ़कर तो और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट जो है वो अनगिनत होते हैं। आप इसे बहुत लंबे समय के लिए बनाकर रख सकते हैं। साथ ही अगर ब्रेकफास्ट में आपको थोड़े से मखाने अगर मिल जाए तो पूरे दिन का न्यूट्रिशन मिल जाता है। कैल्शियम और मिनरल के गुणों से भरपूर होते हैं मखाने। तो इन मखानों को यहाँ पर आज हम तैयार करेंगे कुछ फ्लेवर्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये मखाने, इन्हें मैंने 7 से 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। हम मार्केट से मखाने लेकर आते हैं तो वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, यहाँ पर जब हम इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो ये देखिए इस तरह से बढ़िया से क्रंची हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे मखानों को टेस्ट देने के लिए हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने ली है काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने लिया है 1/2 चम्मच। साथ ही 1/2 चम्मच हम इसमें यूज़ करेंगे काला नमक, यहाँ पर ले लेते हैं 1/2 चम्मच ही प्लेन वाला नमक। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ ही ऐड करते हैं लगभग 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर हमारे मखाने को खट्टा मीठा फ्लेवर दे रही हूँ, इसके लिए मैंने लिए हैं 2 पिंच के जितने साइट्रिक एसिड, जो नींबू के फूल आते हैं उन्हें मैंने पीस लिया है, इन्हें ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पर मिठास के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे शक्कर का पाउडर, ये है 3 चम्मच शक्कर का पाउडर। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारे इन मखानों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 बड़ी वाली कढ़ाई और उसमें ऐड कर देते हैं हम हमारे बढ़िया से मखाने। इन मखानों को हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है। पहले से हमने इन मखानों को ड्राई रोस्ट करके रखा है, इसलिए थोड़े से क्रंची तो है, लेकिन इन्हें हमें अभी थोड़ा सा गर्म कर लेना है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट में हमारे मखाने थोड़े गर्म हो गए हैं अच्छे से। यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड देसी घी, इस तरह से ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा घी और मखानों को अच्छे से स्टर कर देंगे। लगभग 2 से 3 बार हमें इस तरह से मखानों में घी ऐड कर देना है, इससे सभी मखानों में इक्वली घी लग जाता है। यहाँ पर घी हमने मखाने में लगा दिया है अच्छे से। अब जो मसाला हमने तैयार किया है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा मसाला हमारे इन मखानों के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। ऐसा करने से सभी मखानों में जो घी हमने लगाया है उसके ऊपर अच्छे से मसाला स्टक हो जाता है और फ्लेवर जो है वो सभी मखानों में एक जैसा और बढ़िया सा आता है। तो यहाँ पर इसे स्टर कर देते हैं अच्छी तरह से हमारे सभी मसाले को मखाने में। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही हमें इसमें मसाला ऐड करना है। इस तरह से बढ़िया सा मसाले की कोटिंग हमारे मखानों पर हो जाती है तो मखानों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस हमारे मखाने यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत टेस्टी से मखाने। साथ ही इन्हें हम बहुत समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स का तो क्या ही कहना है। यहाँ पर मखानों का हम एक तीखा चटपटा फ्लेवर भी बनाकर तैयार कर रहे हैं। मखानों को मैंने फिर से कढ़ाई में ऐड कर दिया है और इन मखानों को अच्छे से गर्म कर लिया है बहुत अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमारे मखाने गर्म हो गए हैं। इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे देसी घी, 2 से 3 बार इन्हें स्टर करते हुए इनमें थोड़ा थोड़ा देसी घी ऐड करेंगे, उससे हमारे मखानों में ये घी बहुत अच्छे से लग जाता है। इन मखानों के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 चम्मच प्लेन वाला नमक, 1/4 चम्मच ही लिया है काला नमक, 1/4 चम्मच के जितने लिए है मैंने काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भर के हम लेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ 3 से 4 मिनट तक हमने मखानों को अच्छे से एक बार और फ्राई कर लिया है। बहुत कम घी में बनकर तैयार हो जाते हैं हमारे इस तरह के चटपटे से मखाने और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला। इस तरह से मसाला ऐड कर देने से मसाला जो है वो घी के साथ अच्छे से चिपक जाता है और हमारे मखानों में पूरा इक्वल फ्लेवर आता है। तो इस तरह से हमारे बढ़िया से तीखे चटपटे मखाने यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारे बढ़िया से तीखे और चटपटे से मखाने। इस तरह से यहाँ पर हमने 2 फ्लेवर वाले मखाने बनाकर तैयार किए हैं। ये हमने बनाकर तैयार किए हैं बढ़िया से मसालेदार खट्टे मीठे मखाने, साथ ही यहाँ पर बनाए हैं तीखे चटपटे मखाने। इन दोनों का टेस्ट एकदम अमेजिंग है। तो इस तरह के बढ़िया से टेस्टी से मखाने आप अपने यहाँ एक बार जरूर से ट्राई करें।